Hello and welcome to another beautiful episode of Debina Decodes. आपकी जिंदगी कैसी होगी वो completely आप पे निर्भर करता है. आप उसे खूबसूरत तरीके से direction देंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी. So आज मैं बताऊंगी कुछ tips जिससे आपकी जिंदगी, not only सिर्फ आपकी जिंदगी but आपका चेहरा, आपकी personality, आपकी skin, आपकी body, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगी. बहुत बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना कि मेरे पीछे जो आवाज आ रही है वो किस चीज की है. तो मेरी जो छोटी सी डॉजी है, जो बहुत छोटी नहीं है, वो मेरे रूम में हमेशा बैठा रहता है. तो अभी यहाँ पे बैठा हुआ है और वो फी फी फू फू करता रहता है, तो उसकी आवाज सुनाई देता है. सो नाउ कमिंग बैक टू इट, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू हेल्थी हैबिट जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. तो शुरू करें. Wake up early. Wake up by 5:30, 6 o'clock. आपको ऐसा लगेगा कि इतना सुबह सुबह उठ के क्या करे. यही तो बात है. अक्सर मैं पढ़ती रहती हूँ, लोग बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता कॉलेज जाके, फिर ट्यूशन क्लासेस फिनिश करके टाइम नहीं मिलता है अपने लिए. टाइम बहुत सारा मिल जाएगा अगर आप बहुत जल्दी उठे. तो बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाएंगे तो जो बाकी सारी चीजें है जिंदगी में वो सब कुछ बहुत इजीली सेट हो जाता है अपनी अपनी जगह पे. और बहुत हड़बड़ी में लाइफ को सेट करने की या फिट इन करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक्सरसाइज रेगुलरली, हर एक दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है. वॉक करे, स्विम करे, रनिंग करे, जिम करे, पिलाटस करे, कुछ भी करे, लेकिन शरीर को थोड़ा सा मोबिलिटी देना बहुत जरूरी है. जो पतले लोग हैं और अगर सोचते हैं कि मैं तो बहुत पतली हूँ तो मुझे पतले होने की कोई जरूरत नहीं, आई एम ऑलरेडी वेरी फिट. पतला और मोटा से फिटनेस का कुछ लेना देना नहीं है. बॉडी में अगर आप मोबिलिटी लाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन होगा तो बीमारियां नहीं होगी और जोड़े सब मजबूत रहेंगे. आप वॉक कर पाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी बुढ़ापा नहीं आ जाएगा. बुढ़ापे में बहुत सारी जो बीमारियां होती है घुटने में, सब कुछ जो अकड़ जाता है, वो सारी चीजें नहीं होगी. जो पतले लोग हैं दे कैन ट्राई वेट ट्रेनिंग. जो हेल्दियर साइड में है दे कैन ट्राई ऑल्टरनेटिवली कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, या फिर सिंपल वॉक. जिन जो बिल्कुल ही कभी वर्कआउट नहीं किए, प्लीज आधा घंटा निकाल के वॉक कर लीजिए, चाहे तो कोई वीडियो चला के डांस कर लीजिए. इससे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ेगा. नींद से उठने के आधे घंटे में ही कुछ खा लीजिए. चाय खाने में नहीं आता है, चाय इज अ लिक्विड, सो अपार्ट फ्रॉम चाय खा लीजिए. मैंने अक्सर देखा है कि लोग उठ जाते हैं और फिर घर के काम में इंस्टेंटली बिजी हो जाते हैं और खाने के लिए टाइम नहीं मिलता और बहुत बाद जाके खाना खाते हैं. ये बहुत ही गंदी हैबिट है और बिल्कुल शरीर के लिए अच्छा नहीं है. आप जो शरीर को देंगे आपके शरीर आपको रिटर्न में देगा कुछ सालों के बाद. तो उठते ही आधे घंटे के अंदर कुछ खा लीजिए. नो शुगर, शुगर को अपनी जिंदगी से कम्प्लीटली टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि शुगर हमारे शरीर को कोई भी अच्छी चीज नहीं करता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान करता है. शुगर से डायबिटीज होता है, शुगर से हमारे स्किन को एजिंग होती है, शुगर से स्किन खराब हो जाता है, और शुगर हम लोगों को नेचुरल फॉर्म में फ्रूट से मिल ही जाता है. तो इसलिए अलग से चाय में शक्कर या छाछ में या लस्सी में या जो भी बोले आइसक्रीम में, जहां पे प्रॉपरली आप लोगों को पता है कि ये शुगर से ही बनता है, जलेबी हो या मिठाई हो, वो सारी चीजें खाना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. शुगर खाने को मन करे तो फ्रूट्स खा लीजिए. इट इज द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर. फ्रुक्टोज से ही रिफाइन करके सुक्रोज बनता है जो कि हमारा नेचुरल व्हाइट शुगर. तो शुगर को छोड़ दीजिए. डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. लोग सोचते हैं कि खाना नहीं खा रही हूँ या आज मैंने हेल्दी खाया है, क्योंकि सुबह से रात तक से फ्रूट 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 तो नेचुरल है, फ्रूट खाने से कुछ नहीं होगा. पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रूट्स में भी शुगर होते हैं. तो एक्सेस फ्रूट खाना मतलब हम अपने बॉडी को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुगर डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. बैलेंस्ड खाना खाइए. फ्रूट्स दिन में 4 ही खाए,
which is 400 grams maximum, उससे ज्यादा fruits खाने से शरीर में सिर्फ sugar जाके जमा हो जाएगा, which is equal to having spoonful of sugar. तो इसीलिए ज्यादा fruits भी ना खाए. Wash your hands at regular intervals. हाथ को regularly धोते रहिए. सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हाथ से कभी खाना खा लेते हो अंदर germs घुस जाएगा, but इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मुंह में हाथ लगाते हैं. अनकॉन्शियसली ही सही, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ पिक करने के लिए या नोचने के लिए उंगली लगा रही हूँ, बट ये बाल हटाने के लिए या मुंह ऐसे पोंछने के लिए हम लोग मुंह पे हाथ लगा ही देते हैं. तो हाथ अगर साफ रहेगा तो हमारा फेस भी साफ रहेगा, ये बात याद रखिए. नेवर स्लीप विथ योर मेकअप ऑन और विदाउट वॉशिंग योर फेस. कितने भी टायर्ड क्यों ना रहे, अगर मेकअप नहीं है, बाहर से अंदर आए हैं, प्लेन क्रीमिंग जो भी लगा हुआ था, बाहर का जो धूल मिट्टी जो भी चिपक जाता है फेस में, उन सबको अच्छे से धो के क्रीम लगा के मॉइस्चराइज करके फिर ही सोइए. फेस को बिना धोए बिल्कुल मत सोइए. सनस्क्रीन इज अ मस्ट. आप घर से बाहर निकले या ना निकले, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं तो आज घर पे ही हूँ तो सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिन में जिस तरीके से डे लाइट अंदर आ जाता है आपको लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सोच लीजिए कि आपके स्किन तक सन की रेज पहुंच ही जाता है, तो सुबह उठ के आपके मॉर्निंग स्किन रिचुअल में सनस्क्रीन आ जाना चाहिए, ताकि आप उसके बाद भले घर का काम करें या बाद में बाहर निकले, सनस्क्रीन आपके फेस में हो. Acquire a hobby. एक कोई भी चीज जो आप खुद के लिए करते हैं, जिसको आप मी टाइम कहते हैं, इस चीज को डेवलप करिए. हमेशा हम दूसरों के लिए काम करते हैं या हमारे प्रोफेशनल जो हमारा काम होता है उस चीज को करते हैं, उसी में हम लोग दिन भर में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हमारे खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिलता. आपका जो भी हॉबी हो, व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के डांस करें या बुक पढ़े, कुछ नहीं तो पेट के साथ खेले, वो जो समय होता है वहां पे आपको मानसिक तरीके से बहुत उन्नति मिलती है, आपका मन खुश रहता है और उस तरीके से आपके पर्सनालिटी में, आपके स्किन में, आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत डेवलपमेंट होता है. खुद अपना बेड बनाए और पिलो कवर्स रेगुलरली चेंज करें. हम ये सोचते कि हम स्किन के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम अंदर से हेल्दी खाते हैं और सब कुछ करते, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उसका कारण है कि हमारा पिलो कवर वहाँ पे गंदगी रह जाता है, जो रात भर सोने का जो पसीना, जो स्किन के जो सेल्स, जो क्रीम हो या सर का जो डैंड्रफ या कुछ भी ग्राइंड दिन भर का जो भी रात भर रह जाता है, आप अगले दिन उसी पिलो कवर में दोबारा सोते हैं तो वो सारी चीजें आपके फेस में आ जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि रोज रोज पिलो कवर चेंज कर लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है. एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार पिलो कवर चेंज करें और सुबह उठ के खुद अपना बेड बनाए. इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि आपका ब्रेन तुरंत रेडी हो जाता है कि अभी आपके उठने का समय हो गया है और दिन के लिए आप रेडी है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आप 5:30-6 बजे उठ रहे हैं, आप जल्दी सो जाइए ताकि आपको कंप्लीट नींद भी मिले, क्योंकि नींद होना भी बहुत जरूरी है. सो ये सारी चीजें अगर आप दिन में आजमा लेंगे तो आपका शरीर मोटापे से पतला, अगर बहुत पतला है तो वहां से थोड़ा मस्क्यूलर, आपकी स्किन अच्छा हो जाएगा और आपके ओवरऑल हेल्थ में, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट दिखेगी. आपको अगर ये सारी चीजें अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑलरेडी इनमें से कौन कौन सी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से ये सारी चीजें आपको मदद कर रही है. सोचने में भी अगर मदद करे तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो आपकी सोच है वही कल आपकी क्रिया होगी. ओ माय गॉड, मैं बहुत अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने लग गई हूँ. जोक्स अपार्ट, रियली आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड. वाव, ये सारी चीजें आप अगर आपकी जिंदगी में आजमा लेंगे, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी. सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो ऑफ द बिना डिकोड्स. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.